नो वाइब्रेशन, नथिंग, ओनली साइलेंट इंजन, एंड आपको चलने की फील आएगी बस, बाकी आप एकदम घर जैसे बैठोगे। देखने के लिए मिलती है। आज के इस वीडियो में इसका ड्राइव रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, गाड़ी कैसी है और कैसे चलती है। और मेरी आँख थोड़ी सी बंद हो रही है बिकॉज लाइट फोबिक है, तो गॉगल्स लाना भूल गया, दैट्स व्हाई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोज। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ड्राइविंग इंप्रेशन ऑफ 2021 स्कोडा कुशाक, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। थैंक्स टू जगदीश स्कोडा जिन्होंने मुझे ये गाड़ी का वीडियो बनाने का परमिशन दिया। भोपाल में स्कोडा ऑटो खुल गया है जगदीश स्कोडा नाम से, जो कि होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड है। आप यहां पे आके चेकआउट कर सकते हैं इनकी बेस्ट डील और हर स्कोडा का व्हीकल चेक कर सकते हैं, आपको बेहतरीन डील यहां पे मिलेगा। कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन जो है बिल्कुल सही पोजिशन पे दिया है। इनिशियल इम्प्रेशन की बात करूं तो इंजन बहुत अभी साइलेंट है और इतना कैबिन में नॉइज आ रहा है, स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा लाइट है। तो फर्स्ट गियर पे डालते हैं गाड़ी को, हैंड ब्रेक करते हैं, डिसएंगेज। एसी के रिस्पांस की बात करूं तो अभी चालू ही हुआ है और अभी से इसने एसी जो है वो कूलिंग करना शुरू कर दिया है। हॉर्न भी काफी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। कॉमन मैन के व्यूज के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। मैनूवर करना स्टीयरिंग व्हील को काफी इजीली होता है, अगर आपको टर्न करना है तो काफी प्रीमियम और लग्जूरियस फील देता है। टू स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है गाड़ी स्पीड में। इनिशियल पिकअप की बात करूं तो अच्छा है, मतलब गाड़ी आराम से उठ जाती है। पिकअप काफी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी में 1 लीटर का TSI इंजन है जो कि 3 सिलेंडर है, 113 BHP की पावर जनरेट करता है, 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए सफिशियंट है। और अगर अभी इनिशियल इंप्रेशन की बात करूं तो ये टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है, आपको इकोनॉमी भी प्रोवाइड करती है। और अभी जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे यहां पे फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है। बेहतरीन रिस्पॉन्सिव यहां पे आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है इसका, और गाड़ी की जो हैंडलिंग क्वालिटी है शानदार है, मतलब गाड़ी रिस्पॉन्स कर रही है। जैसा कहते हैं ना हम, गाड़ी चिपक के चलती रोड से, वही एक्सपीरियंस मुझे इस स्कोडा में मिल रहा है। गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स का ऑप्शन आता है और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है, और जो 6th गियर है ना इसका, उसमें जब ये RPM इसका 2 पे आता है ना तो आप का आराम से 80 किलोमीटर की स्पीड पे ये चल सकती है। मतलब आप अगर एक कहो ना कि हमें गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको स्कोडा कॉन्फिडेंस देती है और बिल्ड क्वालिटी भर भर के स्कोडा। और यहाँ पे आप मैं आपको बताऊँ, वाइपर जो है वो राइट साइड पे लोकेटेड है और क्रूज कंट्रोल और टर्न इंडिकेटर्स लेफ्ट साइड पे हैं। और जो सिटिंग पोजीशन मुझे देखने के लिए अभी मिल रही ना,
लाजवाब है, मतलब विजिबिलिटी में दोनों कॉर्नर बोनेट के इजीली विजिबल हो रहे हैं। और हाईवे रिस्पांस तो गजब का है यार, मतलब स्मूथ रोड पे गाड़ी चिपक के चलती, रोड पे राइड और हैंडलिंग क्वालिटी लाजवाब है। और इसका TSI इंजन, वाओ, पहली दफा कोई भी स्कोडा की गाड़ी चलाई है। भागती है भागती है भागती है, और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे पसीना नहीं है बिकॉज AC इतना लाजवाब है इस गाड़ी का। ऐसा लग रहा है मैं चलाते ही रहूं, लेकिन गाड़ी में कुछ भी मुझे ऐसी मतलब दिक्कत तो आई नहीं। टर्बो लैग की अगर बात करें, टर्बो लैग थोड़ा सा महसूस होता है भैया, पेट्रोल गाड़ी है, सीधी सी बात है। डीजल की तरह TDI इंजन जो शुरू में आते थे वो भी लाजवाब थे, TSI में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। अच्छा, थ्री सिलेंडर लोग कहते हैं थ्री सिलेंडर बैलेंस नहीं है, इस केस में इतना साइलेंट कैबिन है ना, इतनी बेहतरीन ज्योमेट्री इंजन की, मजा आ रहा है। वाइपर बंद कर दीजिए। एक कंफ्यूजन देख रहे हैं ना आप, वाइपर चालू हो गया ना टर्न इंडिकेटर ऑन करने की जगह, तो थोड़ा सा सीख लीजिएगा जर्मन के बारे में। मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये जर्मन ब्रांड नहीं है, चेक रिपब्लिकन ब्रांड है। इसे सस्पेंशन सॉफ्ट और एज वेल एज स्टिफ दोनों के बीच में मिलते हैं, जिससे आपको राइड क्वालिटी जो है गाड़ी की अच्छी मिलती है, साथ ही साथ जो पैसेंजर का कंफर्ट है ना, दैट इज आल्सो गुड। मतलब आपको फील नहीं हो रहा कि आप गाड़ी में बैठे हो और स्पीड ब्रेकर आया और आप एकदम आपको जर्क लग रहा है, वो वाली चीज आपको इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलती। ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का देखने के लिए मिलता है लैडन में, ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको कहीं भी गाड़ी ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, बैड रोड्स हो गई, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी आप आराम से इससे कर सकते हो, प्योर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। अर्बन पर्पज SUV है और रूरल एरिया में भी आप इसे ले जा सकते हो, दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब मैं आपको यू टर्न दिखाता हूँ, इसका टर्निंग रेडियस दिखाता हूँ, फुल काटा है मैंने और मतलब बेहतरीन है। कैबिन नॉइज आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं आ रही है, बूस्ट मिल रहा है ना इसका, गजब है। सरफेस की आवाज आती है और इंजन तो बिल्कुल ही साइलेंट है, कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ी रोड पे चल रही है ये हमें पता चलता है बस। थोड़ा भी आप इधर उधर कर रहे हो तो गाड़ी मतलब वैसे ही जा रही है जैसे जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिव। ये गाड़ियां ना बिल्कुल एकदम प्यार से चलाने वाली हैं, एक बार खरीद लो सालों साल चलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सर्विस 15,000 किलोमीटर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, एक आता है इसमें बॉडी रोल वाला, बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी में। जी हाँ, बॉडी रोल बिल्कुल आपको देखने के लिए नहीं मिलती, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस आता है ना कि आप तेज स्पीड में भी दूसरे साइड कर लो, पहले साइड कर लो, गाड़ी आपकी अनकंट्रोल नहीं होने वाली। एरोडायनामिक्स का बहुत अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा गया है जब गाड़ी बनाई गई है। इतना पावरफुल इंजन है तो 80 किलोमीटर तक तो आपका कैबिन एकदम साइलेंट रहने वाला है, और फिर उसके बाद थोड़ी सी कैबिन में नॉइस डेफिनेटली आनी है, विंड की नॉइस थोड़ी सी आएगी आफ्टर 80 किलोमीटर। जो वेंटिलेटेड सीट है वो भी अपना काम कर रही है, पसीना नहीं आ रहा है मेरे को पीछे, और ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। लॉन्ग जर्नी में आपको बहुत आराम फील होगा। यह आपका डिजिटल स्पीडोमीटर, इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल, रेंज, ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस अभी 14 किलोमीटर, और स्पीड वार्निंग सिस्टम। बड़े आराम से कट जाती है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो विजिबिलिटी है ORVM से आपको देखने के लिए मिलती है ना, बढ़िया, मतलब
आपको इस साइड वाले भी ORVM से अच्छी विजिबिलिटी मिलती है और उस साइड वाले से भी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। स्पीड ब्रेकर से गाड़ी एकदम अच्छे से निकलती है। अब किसी भी गाड़ी के लिए बैड रोड एक चैलेंज होती है, जहाँ पे खूब सारे पॉट होल्स होते हैं, रोड कटी फटी होती है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं इसको चला के देख रहा हूँ, राइड और हैंडलिंग क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। मतलब पैसेंजर्स को काफी यहाँ पे अच्छी लग रही है, मतलब जो सीट है वो काफी कम्फर्टेबल लग रही है जब मैं बैड रोड के ऊपर से ले जा रहा हूँ। और हैंडलिंग जो है, मतलब मैं जिस तरीके से स्टीयरिंग को मोड़ रहा हूँ, जिस तरीके से स्टीयरिंग से गाड़ी को टर्न कर रहा हूँ, वैसे ही एक्चुअल डायरेक्शन में जो मेरी गाड़ी है वो जा रही है। मतलब मुझे यहाँ पे बेहतरीन राइड और हैंडलिंग क्वालिटी मिल रही है। सस्पेंशन आपको यहाँ पे थोड़े से स्टिफ देखने के लिए मिल जाते हैं, बिकॉज राइड और हैंडलिंग क्वालिटी दोनों को बैलेंस करके चलना रहता है। अंदर के पैसेंजर को इतनी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही कि बम्प आ रहे हैं तो वो उच्च के जा रहे हैं, बिल्कुल आपको कंफर्टेबल यहाँ पे राइड मिलेगी। सेकंड गियर पे भी गाड़ी आराम से उठ जाती है, बिकॉज टॉर्क काफी अच्छा दिया गया है 178 न्यूटन मीटर्स का, तो आपको कभी भी इसकी शिकायत नहीं होगी कि आपको हमेशा फर्स्ट गियर से ही गाड़ी उठानी पड़ रही है। रिवर्स अगर आपको करना है तो इसको पहले नीचे की तरफ पुश करना है और आपका रिवर्स लग जाएगा। तो ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स की अगर बात करूं, ठीक है, अच्छे हैं, अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। मतलब कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है, परफॉर्मेंस इंजन की जो है वो काफी अच्छी है। यही इंजन आपको रैपिड में भी देखने के लिए मिलता है, यही इंजन आपको कुशाक के इस वाले वेरिएंट में मिलता है, इससे ऊपर वाले में 1.5 भी आपको देखने के लिए मिलता है, पर 1 लीटर का इंजन सफिशियंट है। आपको ऐसा कुछ भी कमी महसूस नहीं होगी पावर में, अंडर पावर नहीं लगेगा। सेफ्टी यहाँ पे भरपूर आपको देखने के लिए मिलती है एयर बैग से, एज वेल एज यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो वो आपका एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हम गाड़ी में जिसमें भी बैठे हैं वो कितनी सेफ है। मतलब यदि हम गलती से खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाए तो हम किस एक्सटेंट तक अपने आप को बचा लेंगे उसके अंदर बैठ के। मतलब बिल्ड क्वालिटी, क्रम्पल जोन, ये सारी चीजें अच्छी देखने के लिए मिलती है। स्कॉडा की गाड़ी तो इसके लिए जानी जाती है। तो 0 to 100 करना स्टार्ट करते हैं। इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में हमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो हमें ये बताता है कि हम किस गियर पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा, हमें कब गियर को शिफ्ट करना है। सपोज हम थर्ड गियर पे हैं और खींचे जा रहे हैं गाड़ी को, बताएगा कि इस स्पीड में आपको कौन सा गियर लगाना चाहिए। जैसा कि अभी के केस में बता रहा है, थर्ड टू फोर्थ होना चाहिए, थर्ड है फिफ्थ होना चाहिए, थर्ड है सिक्स्थ होना चाहिए, या सेकंड पे हैं हम फिफ्थ होना चाहिए। ये आपको माइलेज निकालने में काफी मदद करता है, बिकॉज हम अगर गलत गियर पे गाड़ी चलाएंगे तो डेफिनेटली माइलेज तो घटना ही है। 100 पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं हमारा 0 to 100 कंप्लीट हो गया। तो ये है इसका असली ब्रेकिंग टेस्ट। इतनी स्पीड में थी और इतने इजीली ब्रेक लगा के मैंने रोकी है ना गाड़ी को, और फिर भी गाड़ी लड़खड़ाई नहीं, गाड़ी कंट्रोल पे ही रही। ड्राइविंग प्लेजर आपको ये प्रोवाइड डेफिनेटली करती है। मतलब इतनी अच्छी गाड़ी है सही में, जो इसकी स्टेबिलिटी आपको हायर स्पीड में देखने के लिए मिलती है ना, आप बिल्कुल 140-150 पे इसको खींचे रहो। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, आसानी से एक गियर से दूसरे गियर आप शिफ्ट कर पाओगे, बिल्कुल आपके हाथ कलाई में दर्द नहीं होने वाला है, ना थकानी लगेगी। और इतनी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे बिल्कुल थकान नहीं लग रहा, बल्कि मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। लड़खड़ाएगी नहीं, आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी नहीं, अनकंट्रोल नहीं होगी, तो ये भी चीज अच्छी है। स्टेबिलिटी मुझे अच्छी लगी, ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी है, ड्राइवेबिलिटी में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो स्टेडीनेस ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है, एज वेल एज जो स्मूथनेस मिलती है, गजब की है। एजिलिटी भी अच्छी है, जो इसको रोड प्रेजेंस आपको मिलती है ना, क्योंकि जो भी स्कॉडा की गाड़ी होती है एक बार लोग मुड़ मुड़ के जरूर देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रिल। ओके, जो रेडिएटर ग्रिल आपको फ्रंट में मिलती है, वो लोग सोचेंगे कि इतनी छोटी गाड़ी में स्कॉडा की ग्रिल मिल रही, मतलब ये स्कॉडा की गाड़ी है। फील बेस जो है वो काफी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कुछ गाड़ियों में ऐसा लगता है ना हमें कि हमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा चलाने में, या हम कैसे चला पाएंगे, इसके साथ वो चीज नहीं है। आप अगर बिगिनर भी हो तो भी आप इस गाड़ी को अच्छे से चला लोगे, मैनुअल वाली की अगर बात करें। ऑटोमेटिक तो और आसान है। इस वीडियो में मैंने सस्पेंशन की बहुत बात करी, बिकॉज सस्पेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग बम्प,
कैबिन बिल्कुल चिल्ड है, कहीं पे भी घुसेड़ सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि स्कॉडा की गाड़ी है तो आपको डर लगे, बिल्कुल नहीं। कुशाक का मतलब होता है एम्परर, राजा, जिसे हम कहते हैं। संस्कृत शब्द से डिराइव है, तो वास्तव में चला करके तो राजा वाली फील तो आती है। और एकदम कमांडिंग पोजीशन पे आप इस पर बैठते हो, लोअर है बट कमांडिंग पोजीशन है, मतलब विजिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर आसानी से कहीं पे भी ये चली जाती है। कंजेशन हो रोड में, इतनी खराब सड़क पे भी मैंने गाड़ी को चलाया। और एक चीज मैं आपसे यहाँ पे कह सकता हूँ, कोई भी रैटलिंग नॉइज नहीं, खड़खड़ाहट बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वालिटी जो प्लास्टिक्स अंदर यूज करे गए हैं वो अच्छे करे गए हैं। कोई भी खड़खड़ाहट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी स्कॉडा की किसी भी गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलता। कंक्लूजन की अगर बात करें, गाड़ी अच्छी है। तो ये जो TSI इंजन है ना, टर्बोचार्ज स्टेटिफाइड इंजेक्शन, इसका यही पर्पस है। एक तो आपको फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस देता है, दूसरा आपको अच्छी खासी इकोनॉमी देता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो ना कि हमें अच्छा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए जो सिटी के लिए परफेक्ट हो, लेकिन वक्त रहते हम परफॉर्मेंस का भी इस्तेमाल अच्छा कर पाएँ, हमें फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, देन कुशाक इज मेड फॉर यू। और बिल्ड क्वालिटी इज ग्रेट, स्कॉडा हर चीज का ध्यान रखता है, बॉडी स्ट्रक्चर से लेके राइड क्वालिटी से लेके हैंडलिंग से लेके सब जगह। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो 17 लाख रुपीज़ है, जो कि ये टॉप मॉडल है स्टाइल मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन। जहाँ पे भी हाथ रख रहा हूँ ना गाड़ी चलाते हुए, चाहे स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे गियर लीवर हो, चाहे कुछ भी, प्रीमियम फील हो रहा है, दैट इज गुड। नाउ अगर हम क्लच पेडल ब्रेक पेडल के रिस्पांस की बात करें तो क्लच पेडल अच्छा है, स्मूथ देखने के लिए मिलता है, आपको दबाने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगने वाला है, मतलब आप आराम से लगा लोगे, आपको थकान नहीं महसूस होगी। ब्रेक पेडल भी आपको स्मूथ देखने के लिए मिलता है। और जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना भाई, बहुत अच्छा है, मतलब हल्के से आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हो ना तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, तो आपको माइलेज भी यहाँ पे अच्छा प्रोवाइड होता है। तो ये था पूरा वीडियो स्कॉडा कुशाक के ड्राइव इंप्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।